डॉक्टर साहब, ये रात को उसकी तबीयत सही नहीं है। रात से कुछ अजीब अजीब से आवाजें कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आपने कह दी क्या तबीयत क्या? डॉक्टर साहब, वो कल कंपनी में था मैं, कंपनी जैसे यार बिल्कुल सर्दी से कांप रहा था, कंबर ओढ़ा और फिर मैंने इसको टेबलेट भी दी, लेकिन उससे जो है ना मज़ा नहीं आया, तबीयत सही नहीं हुई, इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ। डॉक्टर साहब, आप ख्याल रखिए, रिलैक्स हो जाइए। जी 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 बेटा, क्या तकलीफ है आपको? तो डॉक्टर साहब, मैं कंपनी से जब घर आया तो उसके बाद ना तबीयत कुछ पता नहीं क्या अजीब सी, और तीन चार बाथरूम मोशन ऐसे लगे हुए, धड़ा धड़ आना जाना आना जाना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इतराज रखिए, मरीज वो है आप नहीं है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, आप आराम से वीडियो थोड़ी देर में उनसे पूछ रहा हूँ। मरीज हो, तकलीफ उनको ज्यादा है आपको नहीं, वो बेहतर बता सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो फिर मैं घर में ना मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी, जैसे मैं सोच रहा था। भाई मैं पूछ रहा हूँ इनसे, मैं पूछ रहा हूँ इनसे, आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, क्या हो गया आपको? बीमार आप मरीज है, तकलीफ हो रही है उनको, आप दो मिनट चुप करेंगे? खाली बता रहा था ना, आप चुप करिए, तो मरीज वो है। जी बेटा, उसके बाद सर में अचानक से दर्द शुरू हो गया, पेट में ऐसी मरोड़ हो रही है। मेरा एक डॉक्टर, अरे भाई तुम चुप रहोगे, मैं चेक करूं इसको। मत बताओ भाई, जाओ यहां से, कहीं और दिखाओ इसको, जाओ, मना कर रहा हूं, चुप रहो तुम। आप तो नाराज हो रहे हैं, मैं खाली बता रहा हूं। तो भाई मरीज वो है ना, वो मुझे बता रहा है, उसकी तबीयत खराब, आप चुप रहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज ही निकलनी चाहिए, वरना आप बाहर बैठ जाए, तमीज नहीं आ जाते। जी बेटा, खांसी है, मोशन लगे हुए आगे। उसके बाद सर में दर्द हो रहा था, मैंने उनको टेबलेट दिया डॉक्टर साहब। मैंने यार, तुम जाओ यार, उठो चलो, उठो यार, चलो, तकलीफ हो रही है, चलो से आ जाते हैं यार। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। डॉक्टर साहब, उसकी तबीयत खराब है, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपको फिक्र नहीं है उसकी? प्रॉमिस से नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। आप जाइए, प्लीज जाइए यहाँ से, उसकी हालत देख के आप शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। समझ नहीं आ रही आपको, देख रहा हूँ मैं भी, देख रहा हूँ सर, आप क्या देख रहे हो? तो मैं देख रहा हूँ ना, बताता हूँ आपको। मोशन कब से लगे हैं आपको? दो दिन से लगातार मोशन आना जाना रहता है, आना जाना रहता है। अब बताओ और क्या तकलीफ हो? और खांसी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है आपके? खांसता ना, बीपी भी डॉक्टर साहब, खांसता हूँ ना, ऐसा लगता है सारे कलेजे फेफड़े मुंह पे आ गए। लंबी सांस लीजिए, नहीं ले पा रही, नहीं ले पा रहा। डॉक्टर साहब, इसका बीपी भी लो, सब कुछ आप कर लो, मैं यहाँ पे पागल बैठा हूँ, मैं चूतिया हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ ना उसको, मुझे पता है मैं डॉक्टर हूँ। यार मेरा कोई इलाज करना है, आप इसको चुप कराए। हाथ आगे कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, क्या कर रहे हो आप? हाथ ऊपर करें, आप हाथ पकड़े इसका,
यार आपको तमीज नहीं है, आप बैठेंगे आराम से, मैं चेक कर लूं इसको। तबीयत बहुत खराब हो रही है यार, इसको छोड़े आप। यार आप पीछे हो जाइए ना, आप पीछे हो जाइए। डॉक्टर साहब मैं ये देख रहा हूँ, आप पीछे हो जाए। जाओ यहाँ से, जा भाई जा, मैं चूतिया हूँ यहाँ पे, आप जाओ यहाँ से। चलो चलो उठो उठो उठो, चलो कंपाउंडर इसको ले जाओ, चलो चले चलो चलो। आप जाइए, कुछ भी नहीं, अगर वो नहीं मारा मैं उसको मार दूंगा। कुछ भी नहीं बोलो, कुछ भी नहीं बोलो यार, आप जाइए। कुछ भी नहीं बोलो बेटा, आप यहाँ से जाइए। एक मार दो, एक आपको तमीज नहीं है, बेशर्म इंसान। एक चांस दीजिए, एक चांस। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चुप रहिए। एक चांस, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगर अभी आपके मुंह से अल्फाज निकला, नहीं बोलूंगा मैं, आप दोनों को बाहर कर दूंगा। नहीं बोलूंगा, शर्म आनी चाहिए आपको। इसके अंदर देखिए आप, ये दवाई कुछ गोली वोली दे दे डॉक्टर साहब, कुछ तो लिख के, तबीयत खराब हो रही है प्लीज। आप मुझे कुछ कर रहे देंगे तो उसको मैं चेक करूं कि किसको गोली क्या देंगे क्या नहीं देनी। मैं नहीं, आप बोले जा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, आप चेक कर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप तकलीफ पता है जो आपको ज्यादा हो रही है, आपको हंसी ज्यादा हो रही है, क्या हो रहा है आपको पता है? सीने में दर्द हो रहा है आपके, उल्टियाँ भी हो रही है और ये कांस भी रहा है डॉक्टर साहब। यार मैं बोल रहा हूँ यार, मेरे को क्यों पिटवा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोल। नाम क्या है आपका? डॉक्टर साहब ये वाली गोली तो मैंने खिलाई थी भाई, इसकी यही गोली आती है। अगर उसके पेट में उसका पेट खराब है तो पेट की यही गोली होती है। डॉक्टर साहब इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर रात को मैंने खिलाई थी। चलो एक गोली और लेके दे रहा हूँ, वो देख ले। ये वाली तो घर पे पड़ी हुई है। यार जब आप घर में ही सारे डॉक्टर हो तो यहाँ पे किस लिए आए हो? आप घर पे इलाज करवाए ना इसका? तो ये गोली घर पे पड़ी हुई, ये वाली मैंने खिलाई थी रात को, ये वाली घर पे पड़ी हुई है डॉक्टर साहब, मेरे को झूठ। आप बैठे यार, आप बैठे, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप ये खिलाए इसको, इंशाल्लाह फर्क आएगा। डॉक्टर साहब मेरे को बड़ा अजीब अजीब लग रहा है, जैसे कोई मौत का फरिश्ता आया था। आप चुप रहिए, बहुत ज्यादा तबीयत इतनी खराब हो रही है इसकी डॉक्टर साहब, मैं इतना टेंशन में हूँ, कल रात से मैं टेंशन हूँ, मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप गुस्सा होते जा रहे हो डॉक्टर साहब। आपको तमीज नहीं है, आपको असल में तमीज नहीं है, मैं गोली लिख के दे रहा हूँ इनको, आप ये गोलियाँ दे उसको और आप जाए प्लीज यहाँ से। मैं मुझे और भी मरीज देखने होते हैं, मैं आपके सारा दिन ये डर बैठा नहीं रहूंगा यहाँ पे। आप ये गोलियाँ दे इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये वाली तो मैंने कल रात को खिलाई थी, ये वाली तो घर पे पड़ी हुई है, ये वाली मेरे को समझ में नहीं रहा डॉक्टर साहब, ये गोली जो है ये किस चीज के लिए है ये गोली? भाई आप मुझसे सवाल नहीं करें, जो मैंने आपको लिख के दिया, आप इसको क्लिनिक से जाके यहाँ से मेडिकल से जाके उठा ले और इनको 3 टाइम की दीजिएगा ये खुराक, सारी 3 टाइम की है, खाने के बाद जाए आप। डॉक्टर साहब ये क्या लिखा, तुम सेशन डॉक्टर तो वो वाला था, ये देखो यार, जाओ जाओ, चलो चले, दोबारा नहीं आए पे।